हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल सेवन सोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सभी अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए यू एस पर रीडिंग करूँगी काफ़ी टाइम हो गया यू एस पर रीडिंग नहीं हुई है तो देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है दोनों क्या सोच रहे हो एक दूसरे के लिए आगे क्या होने वाला है सारी बातें जानेंगे जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए आई होप कि आज से रीडिंग टाइम पर आने शुरू हो जाए इस चैनल पर तो दो रीडिंग हो गई है मेरे फर्स्ट चैनल ट्रिपल सेवन टैरो पर एक ही रीडिंग हो पाई है आज तो आज से मेरा पूरा पूरा यही टारगेट रहेगा कि मैं दोनों चैनल पर जैसे रीडिंग करती थी वैसे ही हो क्योंकि काफ़ी सारे काम हो गए हैं तो अब मैनेज हो सकता है ईज़ीली चलिए अब देखते हैं कि हाँ तो ये पर्स पर्सनल प्रडिक्शन नहीं है जर्नल है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है नाउ सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड और ये रीडिंग टाइमलेस है अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आई का लिंक मिल जाएगा वहाँ जाकर आप मुझको डी कर सकते हैं रीडिंग के लिए चलिए अब देखते हैं क्या होने वाला है क्या चल रहा है आप दोनों की लाइफ में तो ये कार्ड आपके लिए है एक्सेप्टेंस दिस वन इज़ फॉर पार्टनर दिस इज़ फॉर यू ये आपके पार्टनर के लिए है सेल्फ वर्थ ये आपके लिए कार्ड है फॉर योर पार्टनर एंड दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ फॉर योर पार्टनर सिचुएशन देखो कैसी चल रही है फ़िफ्टी फिफ्टी ग्रैटिट्यूड का कार्ड है यहाँ से ये यह दोनों की साइड से है आप दोनों एक दूसरे को देखो अभी भी एक दूसरे से हेट तो नहीं करते हो ग्रैटिट्यूड है दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार है यहाँ पे हार्ट है ना फैमिली चाहते हो एक दूसरे के साथ बनाना और आ, मुझे लगता है बहुत प्योर वाइब है इस कार्ड में तो आप दोनों एक दूसरे को अभी भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो ये चीज़ क्लियर है देखो आप अपनी ड्यू ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो इवन दो आपको कुछ गिल्ट है इस काम को करते हुए लेकिन डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं जो जिस भी सिनेरियो में आप हो आप खुश नहीं दिख रहे हो बिकॉज यहाँ भी मासूम मायूस से दिख रहे हो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हो बट स्टिल यू हैव दिस रिंग एंजल का ये सिंबल है और यहाँ तो खुद एंजल ही दिख रहे हैं आपके साथ ना तो जो भी काम हो जिस भी सिचुएशन में फंसे हो अभी या फसा फंसना कह लो या आपका um, कुछ भी है जो आपके पास ड्यूज हो सकते हैं दैट इज़ वाई आप इस सिचुएशन में आए हो कुछ भी मान लो लेकिन ये एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी इससे आप छूट नहीं सकते हो इसे पूरा कर कर ही बाहर आओगे एक अच्छी बात ये है कि डिवाइन का सपोर्ट पूरा है आपके साथ देखो ना कैसे येलो कलर का पूरी लेयर है यहाँ पर आपके आसपास ये प्रोटेक्शन है यहाँ पे डिवाइन खुद आपको आपका शोल्डर पकड़े हुए हैं आप नहीं छोड़ सकते ये सिचुएशन चाह कर भी नहीं छोड़ सकते छोड़ना भी चाहोगे वापस डिवाइन यहीं लेकर आएंगे क्योंकि आपके कर्म जुड़े हैं यहाँ से आपको ख़त्म करना है ये सारा काम ठीक है हो जाएगा आराम से डोंट वरी जस्ट फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी फोकस ऑन योर हैप्पीनेस कि कैसे खुद को हैप्पी रख सकते हो बिकॉज सम क्लाउड्स आर अराउंड यू ना लाइक यहाँ पे भी थोड़ा सा तो ये सिचुएशन दिखाती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी समझ नहीं आ रही है बट स्टिल यू हैव टैलेंट यू हैव यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन तो ये जो ये जो स्टोन है ना आपके हाथ में जो इतना चमक रहा है ये आपकी क्रिएटिविटी है तो अपनी क्रिएटिविटी से अपने लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करो गिल्ट में मत रहो क्योंकि ये काम तो करना ही है आपने ठीक है तो आप अपने एक सिचुएशन में ट्राफ्ट हो अब आपके पार्टनर को अगर देखो तो देखो इसके अंदर परफेक्शन है सारी चीज़ें हैं हो सकता है इसके पास वो भी है जो ये पाना चाहते हैं लेकिन ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है ये इंसान खुश नहीं है देखो इधर भी मुझे क्लाउड दिख रहे हैं क्लाउड थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ठीक है अब अगर यहाँ पे क्लाउड के पीछे सन है तो वो ठीक से विजिबल नहीं है यहाँ क्लाउड्स के पीछे मून है विजिबल नहीं है ठीक से ठीक है और देख एक चीज़ और मैं देख रही हूँ इस कार्ड में पत्तियाँ मुरझा के गिर गई हैं और फ्रोजन दिख रहा है या, यानी कि बर्फ है हालांकि अचीवमेंट है लेकिन और परफेक्शन है परफेक्शन के साथ अचीवमेंट है लेकिन ये बर्फ़ दिखा रही है फ्रोजन इमोशंस तो इस इंसान के अंदर इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं आई डोंट नो वाई ये रो रहा है इंसान खुश भी नहीं है अगर ये आपसे दूर जा रहे हैं खुश नहीं है ये इंसान और इसके इमोशन बहुत ज़्यादा फ्रोज़न हो चुके हैं दैट इज़ वाई ये इंसान अभी आपको कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पे टिकट भी देखो टूटा हुआ एक टिकट है अगर आप देख पा रहे हो तो हालांकि हमारे पास थोड़ा वाटर दिख रहा है जो कि थोड़ी सी मुझको पॉजिटिविटी दिखा रहा है लेकिन फिर भी ये इंसान अभी परेशान है और ये परेशानी ना कोई बहुत मेजर नहीं है ये जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में ये इन्हीं की वजह से है तो इनको इनके हाल पे छोड़ कर इनको अपने जो भी पर्सनल इश्यूज हैं या ब्लॉक हैं इनको ख़त्म करने दो तो, इन, इन इनको खुद ही आप कुछ नहीं कर सकते बट आप दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो और बहुत ज्यादा आपका जो कनेक्शन है ना वो प्योर है ये दिख रहा है यहाँ पे दोनों के पास अपने अपने चैलेंज हैं लेट्स सी फ्रॉम हेयर के क्या सोचते हो एक दूसरे के लिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन गेटिंग टू नो ईच अदर जस्ट अ वेट रिकन्सिलक द एफर्ट एक कारती हूँ मैं इट इज सेफ फॉर यू टू लव यस इट इज सेफ फॉर यू टू लव फॉर बोथ ऑफ यू यू बोथ हार सेफ फॉर ईच अदर ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल देखो थोड़ा सा पेशेंस रख लो सब्र रख लो मुझे लगता है जल्दी रिकनसिलियशन हो जाएगा ये इंसान खुद एफ़र्ट लगाएंगे बिकॉज ये इंसान आपको जानना चाहते हैं गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील यूर इनोसल टू ईच अदर यू बॉन्ड deepens आपका जो जितना शेयर करोगे जितना अच्छे से बात करोगे सीक्रेट्स अपने रिवील करोगे उतना ज़्यादा आपका जो रिश्ता है वो गहरा होगा ये इंसान खुद एफर्ट्स लगाएंगे मेक द एफर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है यह आपके पार्टनर की साइड से कार्ड है ये दो कार्ड आपकी साइड से आप तो चाहते हो कि एक ऑनेस्ट डिस्कशन एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन हो जाए आप दोनों के बीच में और आप और यही आपकी लाइफ में रिकनसलिएशन लेकर आएगा बट ये दोनों फील कर रहे हो आप इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव ये दोनों के लिए कार्ड है ये कनेक्शन बहुत प्योर है बहुत सेफ़ है बस आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है दैट्स ऑल देखो कितने उदास हो दोनों के दोनों ही क्लाउड्स बहुत दिख रहे हैं मुझे इस प्रोडिक्शन में तो मुझे लगता है कि थोड़ी कन्फ्यूजन है लेकिन वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगी थोड़े से पेशेंस रख लीजिए सब अच्छा हो जाएगा फॉरगिवनेस एक दूसरे को सबसे पहले तो माफ़ कर दो अगर एक दूसरे के एक्शन से हर्ट हो रहे हो तो नो एंड रिकवरी का कार्ड है यहाँ पर एंड वी हैव अबेंडेंस आई थिंक नो का मतलब है नॉट द राइट टाइम बट रिकवरी धीरे धीरे हो रही है और अबेंडेंस भी मिल जाएगा फिलहाल के लिए आप एक दूसरे को माफ़ करके चलें ठीक है ये आपके लिए आ रहा है यहाँ पर तो ये तो करना पड़ेगा आप लोगों को नहीं करोगे तो फिर कनेक्शन धीरे धीरे ही लोगा चलो ये देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस आएंगे न्हें पढ़ लेती हूँ मैं काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए पहला यही था आई एम स्कड आई लूज यू देखो डर रहा है इंसान आई हैव लॉट ऑफ सेक्शुअल थाट्स अबाउट यू अट्रैक्शन बहुत है यहाँ आई हैव ऑप्शन बट आई ओनली वॉन्ट यू ऑप्शन है इसके पास पर ही आपको चाहते हैं इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्म आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई पर्पस

टॉक्सिक हैबिट्स हैं पर ये हील करना चाहते हैं वो सब चीज़ों को और वो सब करना चाहते हैं जिसमें ये आपके साथ हो, लाइक like, आपके पास ले आए दूरिया ना रहे यहाँ पर इस तरीके से सोच तो रहे हैं मैसेजेस में यही मिला है यहाँ पर सो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना ही बाय और गाइस मैं लाइव आती हूँ अपने फ़र्स्ट चैनल ट्रिपल सेवन टैरो पे तो अगर आप यहाँ पर नए हैं आपको नहीं पता मेरे चैनल के बारे में तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक और चैनल का लिंक है जिसका नाम है ट्रिपल सेवन टैरो वहाँ पर जाकर भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप मेरा लाइव सेशन मिस ना करें ओके सो टेक केयर एंड बाय